भरतपुर तहसील चौरी चौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर में निवेश्वर मंदिर स्थित है। आज बांसगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कमलेश कुमार का दिन में 1 बजे से आगमन था, जिसमें 3 बजे के आसपास तक सांसद महोदय उक्त पोखरी पर नहीं पहुंच पाए थे। कुछ देर बाद पता चला कि सांसद महोदय रुद्राभिषेक में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तथा रुद्राभिषेक में शामिल हुए 3 बजे के बाद हमारे प्रतिनिधि ने जब पूर्व विधायक बेचन राम से साक्षात्कार किया तो बेचन राम ने अपने मुखार बिंदु से अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाए, जो वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे प्रतिनिधि ने कई प्रश्न किया है, उन्होंने प्रश्न का उत्तर भी दिया है जो वीडियो में देखने को मिलेगा। यह भी है कि वहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, शौचालय में एवं अगल बगल में विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है। इतना ही नहीं, उक्त मंदिर पर जो बैठक बना हुआ है वह छत के रास्ते पानी नीचे की तरफ जमीन पर गिरता रहता है। क्षेत्र के लोगों ने उक्त मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री कराने की मांग की है। देखा जाए कि सांसद महोदय अपना ध्यान उक्त मंदिर पर चहारदीवारी बनवाने का व्यवस्था करेंगे। 24 News ID वादा सच का गोरखपुर उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ परमानंद दुबे के साथ कैमरामैन एवं संवाद सुध प्रेम सागर की एक खास रिपोर्ट। आप का शुभ नाम बिचन राम, पूर्व विधायक मुंडेरा विधानसभा क्षेत्र है। आपके समय में आप जो आश्वासन देते थे लोगों को कि हमें 12 बजे ही पहुंचना है, तो आप 11:50 में पहुंच जाते थे और जनता की भीड़ लगती थी। और आजकल के ऐसे नेताजी लोग हो गए हैं, 1 बजे दिन में प्रोग्राम था, अब 3 बजने जा रहा है, आम नागरिक भी लोग आए और देख करके लोग चले गए। आखिर में आगे की बात क्या आप सोच सकते हैं और हम क्या सोच सकते हैं, आके आम नागरिक क्या सोच सकते हैं? पथनी और करने में कितना अंतर है, इसको आप स्वयं बताएं सर। ऐसा है, भारतीय लोकतंत्र में जी जनप्रतिनिधि चाहे वो विधानसभा सदस्य हो या लोकसभा सदस्य हो, वो बहुत ही व्यस्त रहता है, अनेक कार्यक्रम उसके लगे रहते हैं जी। स्वाभाविक है, जो समय दिया जाता है उसमें कुछ विलम्ब हो जाता है व्यस्तता के कारण। उसमें जो है किसी जो है जनप्रतिनिधि का या संगठन के लोगों का कहीं त्रुटि नहीं रहती है, अति व्यस्तता के नाते कई कार्यक्रमों के नाते थोड़ा विलम्ब होता है। नहीं, यदि हम इस बात को कहते हैं कि हमें 12 बजे आपसे मिलना है जी, जी, और हम 5 बजे शाम को मिलेंगे जी, तो इसमें अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता? है अंतर पड़ेगा ही, लेकिन उसी दौरान यदि कोई लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, विधानसभा भी बड़ा क्षेत्र होता है, कहीं क्षेत्र में कोई और भी अति आवश्यक बातें आ जाएं तो वहाँ भी जनप्रतिनिधि को पहले पहुँचना पड़ता है, इस नाते कार्यक्रमों में उनसे विलम्ब होता है। यानी जो भीड़ जानबूझ के ऐसा नहीं, नहीं नहीं जानबूझ कर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी जो इतना भीड़ मान लीजिए लगा हुआ है और लोग अपने घर को जाएंगे, वापस चले जाएंगे, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बताइए कहाँ से आप दिखाएंगे कि कितनी भीड़ है आपके पास में, है या नहीं है? भीड़ तो है ही। कितने लोगों की भीड़ है आप बता दें? 3 बज रहे हैं, आपके कुर्सी पर कितने लोगों की भीड़ है आप बता दें? कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी है, फैले हुए हैं मंदिर की तरफ भी। अच्छा, फैले हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सही बात है, स्वाभाविक है, सिद्ध है, ज्योतिर्लिंग है जी, तो जो भी आएंगे दर्शन करेंगे, ये सावन का महीना है। आप कब आए हैं सर? हमको आए हुए 1 घंटा हो गया होगा, दर्शन किया हूँ। 1 घंटे हो गया,